हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन हाउ टू इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का छोटा सा हाउ टू वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूट्यूबर हैं तो वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और कभी कभी आप लोगों की वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। आप लोग अपने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं लेकिन आप लोगों के जो विजिटर हैं, ऑडियंस हैं, वो आप लोगों के वीडियो को आधे में छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप लोग अपने वीडियो को जो उसकी टाइमलाइन है अगर उसके टुकड़े करके आप लोग बना देंगे जिससे आप लोगों के जो विजिटर हैं वो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि आप लोगों ने वीडियो के किस पार्ट में क्या चीज़ बताई है। ऐसा करके आप लोग आसानी से अपने वीडियो के टुकड़े कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है ये आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कोई टीचर हैं वो अपने एक टॉपिक को लेकर चलते हैं और उस टॉपिक में बहुत लंबा वीडियो बना देते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे कुछ टॉपिक को समझाते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बारे में क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो अगर वो अपने वीडियो के टुकड़े कर देंगे जिससे उनके जो भी ऑडियंस हैं वो स्पेसिफिक जिस पार्ट को देखना चाहते हैं वो आसानी से देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग अपने गेम प्ले का वीडियो डालते हैं जो कि आप लोगों का बहुत लंबा हो जाता है, उस केस में भी ये आप लोगों के काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप लोग न्यूज़ से संबंधित कुछ वीडियोज़ बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और किसी आपके ऑडियंस को कोई स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में जानना है तो वो डायरेक्ट आप लोगों की उस न्यूज़ को देख सकता है, या फिर अगर आप लोग कोई स्पेशल टिप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग सेपरेट सेपरेट जो है वो आप लोग यहाँ पर से अपनी टाइमलाइन पे ऐड कर सकते हैं उतना पोर्शन। तो इसको कैसे करना है ये आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग आ जाइए अपने YouTube चैनल पे लॉग इन कर लीजिए और YouTube के क्रिएटर स्टूडियो पर आ जाइए। तो जैसे आप लोग YouTube स्टूडियो पर आ जाते हैं यहाँ पर आप लोगों को YouTube स्टूडियो मिल जाता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से वीडियोस पे आना होगा। जैसे आप लोग वीडियोस पे आ जाते हैं तो उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिस भी वीडियो में आप लोग यहाँ पर से टाइम स्टैम्प या फिर चैप्टर को ऐड करना चाहते हैं, जिसमें भी आप लोग सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पर से देखिए, जैसे मेरे को कुछ एक वीडियो सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पर से कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला जीमेल का पासवर्ड भूल गए हैं, कैसे लॉगिन करें, मुझे इसमें अपने वीडियो को सेक्शन में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से एडिट पे जाऊँगा। यहाँ पर आप लोगों को पेंसिल का आइकन मिलता है, आप लोग पेंसिल के आइकन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप लोग अपने पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने कुछ ऐड करना है। जैसे यहाँ पर से देखिए, आप लोगों ने क्या करा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाइए और डिस्क्रिप्शन में ये आप लोग कहीं पर भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोग अगर इसको लास्ट में लिखना चाहते हैं, फर्स्ट में लिखना चाहते हैं, तो कहीं पर भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसमें लिखता हूँ, लिखेंगे कि 00 और उसके बाद कोलन और उसके बाद फिर 00, उसके बाद आप लोगों ने एक स्पेस देना है। जैसे आप लोग स्पेस देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर से लिखेंगे इंट्रोडक्शन। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, जैसे मान लीजिए वीडियो किस बारे में है, यहाँ पर से आप लोगों ने लिख दिया वीडियो किस बारे में है, आप लोगों ने 00 पे बता रखा है। उसके बाद आप लोगों ने एंटर प्रेस करना है और फिर आप लोगों ने अपने वीडियो को देखना है। मैं यहाँ पर से वीडियो को खोल लेता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आप लोग यहाँ पर से वीडियो को खोल लीजिए और उसके बाद जहाँ पर भी आप लोगों ने वीडियो में कुछ भी बता रखा है और आप लोग अपने वीडियो के वहाँ पर से टुकड़े करना चाहते हैं, मतलब सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप लोग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने कुछ बता रखा होगा, मैंने यहाँ पर से इसके लिए जो टाइम स्टैम्प है वो बना रखा है। जैसे मैंने यहाँ पर बता रखा है 2 मिनट 8 सेकंड में मैंने बता रखा है हाउ टू रिकवर जीमेल पासवर्ड यूजिंग एन ओल्ड पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर से इसको कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पर से इसको पेस्ट कर देते हैं। मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इसकी क्या क्या शर्तें हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से मैं इसको पूरे के पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर से वीडियो को 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मैं यहाँ पर से इसको कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ पर से इसको पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैंने इसको पेस्ट करा और उसके बाद मैं यहाँ पर से सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव करा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से जाते हैं वीडियो में और यहाँ पर देखिए, फिलहाल इसमें सिर्फ एक ही टाइम स्टैम्प है, पूरी की पूरी कंप्लीट है। अब मैं यहाँ पर से इस वीडियो को रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर से चेंजेस जो हैं वो सेव कर दिए हैं। अब यहाँ पर से ये जो वीडियो है ये सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो ये देखिए जो वीडियो है वो सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। अगर आप लोग यहाँ पर से देख पा रहे होंगे तो एक सेक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पाँचवा और छठा, 6 सेक्शन में मैंने इस वीडियो को डिवाइड कर दिया है। तो अब आप लोगों के जो भी ऑडियंस होंगी या फिर जो भी आप लोगों के विजिटर होंगे वो यहाँ पर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे और फिर यहाँ पर जो भी आप लोगों ने टाइम स्टैम्प डाल रखा होगा उस टाइम स्टैम्प के हिसाब से यहाँ पर से इसमें स्विच कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर स्विच करना चाहता है तो वो भी डायरेक्ट स्विच कर सकता है। तो ऐसा करके आप लोग इसको अपने वीडियो को सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यूट्यूब ने क्या बता रखा है, एड चैप्टर्स टू अ प्रोग्रेस बार। तो यहाँ पर से जो आप लोगों के वीडियो की प्रोग्रेस बार होती है वहाँ पर आप लोग चैप्टर को ऐड कर सकते हैं। तो चैप्टर को ऐड करने के लिए यहाँ पर से इसने कुछ शर्तें बता रखी है। जैसे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर से जो आप लोगों का टाइम स्टैम्प शुरू होगा वो 00
:00 से शुरू होगा और आप लोगों के उसमें कम से कम 3 टाइम स्टैम्प होने चाहिए, एटलीस्ट 3 टाइम स्टैम्प आप लोगों के उसमें होने चाहिए जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आप सभी लोगों को बताया कि यहाँ पर से 00 से टाइम शुरू होगा और फिर आप लोगों को आगे को बढ़ना है। ये नहीं कि यहाँ पर से जैसे 3 मिनट हो गया और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर से 1 मिनट डाल दिया। अगर आप लोग इसको चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से इसको चेक भी कर लेता हूँ कि ये सही करें या नहीं करें, तो मैं यहाँ पर से इसको क्या करता हूँ, 1 कर देता हूँ। मैंने इसको 1 कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर से चेंजेस जो है वो सेव कर देता हूँ। चेंजेस मैंने सेव कर दिए, अब मैं यहाँ पर से वीडियो को दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पर चेक भी हो जाएगा कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम हाथों हाथ, तो यहाँ पर से देखिए वीडियो से जो टाइम स्टैम्प है वो गलत हो गए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर से इसमें जो वैल्यू है वो गलत डाल दी है। यहाँ पर से इसने असेंडिंग के में बोला था और हम लोगों ने इसको असेंडिंग में नहीं रखा है, तो अब हम लोग यहाँ पर से इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से इसको कर देता हूँ 3 और उसके बाद यहाँ पर से YouTube ने और बोल रखा है, और क्या बोला है यहाँ पर से हम लोग इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है द मिनिमम लेंथ ऑफ वीडियो चैप्टर इज 10 सेकंड, तो कम से कम एक चैप्टर की जो लेंथ है वो 10 सेकंड की होनी चाहिए। तो ऐसा करके आप लोग अपने वीडियो को सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं जिससे आप लोगों के विजिटर को, ऑडियंस को एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलेगा और अगर उनको भविष्य में दोबारा कभी उस वीडियो को देखना है और पर्टिकुलर उस पार्ट को देखना है तो डायरेक्ट वो वहाँ पर से उस पार्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक कर इसको जरूर लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के YouTube से संबंधित कोई सवाल है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो बगल में बनी हुई घंटी को जरूर से दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे होगा ये कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।